हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड यूनिट में को कंटिन्यूस लेते हुए बीजीय व अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल का पार्ट सेकंड। तो कंटिन्यूस पार्ट में इस मैंने किए हैं, तो इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। इसमें आपके आती है मैथड, तो आपको पहले जैसे ग्राफिकल मैथड बताया है, उसके बाद में दूसरा द्विभाजन मेथड बताया है, अब आपके आता है रुगा फालसब मेथड या मिथ्या स्थिति विधि। वह संख्यात्मक समीकरण जिसमें एफ एक्स बराबर जीरो के मूल वास्तविक मूल का आंकलन करने के लिए न्यूटन द्वारा दी गई प्राचीनतम यह विधि है। इस विधि को रैखिक अंतर्वेशन भी कहते हैं। तो इसमें मैंने जैसे ये डायग्राम आपको दिया है, इसमें अपने को ए बिंदु पर एक्स वन वाई वन माना, बी बिंदु पर एक्स टू वाई है, और एक्स टू ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अपने दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ज्योमिति में पढ़ चुके हैं। तो वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे वाई वन इक्वल टू आपका एफ एक्स वन है और वाई टू इक्वल टू एफ एक्स टू है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई माइनस एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन बन गया। यदि सरल रेखा ए बी तथा एक्स एक्स के प्रतिच्छेद बिंदु, अब एक्स एक्स पे वाई का मान जीरो होता है, तो एक्स एक्स के प्रतिच्छेद बिंदु हो गया एक्स टू जीरो हो, तो एक्स में मान रखेंगे, तो वाई का मान अपने जीरो है, तो आपका जीरो माइनस एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे एक्स थ्री गलत प्रिंट हुआ है, एक्स टू माइनस एक्स वन है, एक्स थ्री। तो एक्स थ्री बराबर आपका हो गया एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन बटा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्स की जगह एक्स थ्री है। तो यहाँ भी ध्यान रखना प्रतिच्छेद बिंदु जो है एक्स थ्री और जीरो है। यदि एफ एक्स और एफ एक्स टू और एफ एक्स थ्री का मान लेस देन जीरो हो, तो मूल अंतराल एक्स टू और एक्स थ्री के मध्य स्थित होगा। इस विधि की पुनरावृत्ति करने पर मूल का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो जाएगी आपके एक्स फोर। तो जैसे पहले एक्स थ्री का मान निकला, अब एक्स थ्री की जगह फोर करेंगे तो आपके वन की जगह टू हो जाएगा, टू की जगह, तो एक्स फोर इक्वल टू एक्स टू, सिमिलर एक निकालना है, फिर सिमिलर अपने को लिखना है सिमेट्रिक से। तो एक्स टू एफ एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एफ एक्स टू बटा एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू। इस टाइप से इसका एन एथ लेंगे तो एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन बटा एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो एफ एक्स एन बराबर आपको हो जाएगा एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन बटा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। ये आपके कहलाता है इसका रुगा, ये जो है मिथ्या स्थिति रुगा फॉल्स मेथड का मूल वास्तविक मूल निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें आपका आता है इम्पोर्टेंट भी है कि रुगा फॉल्स मेथड का कन्वर्जेंस कंडीशन या रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, पेपर में पूछे हुए भी हैं। तो आपको माना है मिथ्या स्थिति के पुनरावृत्ति सूत्र चार द्वारा प्राप्त सिक्वेंस एक्स एन तथा जाई समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का एक एग्जैक्ट रूट है। तो मान लिया एक्स एन इक्वल टू जाई प्लस एप्सिलॉन एन तथा एक्स एन प्लस वन बराबर जाई प्लस एप्सिलॉन एन प्लस वन। तो चार से अपने एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर रखेंगे, तो चार में मान रख दिया, तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस वन फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन बटा फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। समीकरण पाँच में एफ फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन तथा फंक्शन ऑफ जाई प्लस एन माइनस वन का टेलर पर इसे विस्तार करने पर, जैसे ही इसका विस्तार करेंगे तो एप्सिलॉन एन माइनस वन फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन फंक्शन ऑफ जाई प्लस एप्सिलॉन एन माइनस वन। तो अंश का एक्सपोनेंशियल करना है टेलर प्रमेय से, और हर का भी एक्सप्लेनेशन करना है, और मान किस में रखना है, जहाँ जहाँ ये फंक्शन अपने आ रहा है उसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब पुट करेंगे तो आपके यहाँ देखोगे कि अंश और हर में ये पार्ट आया है एप्सिलॉन एन प्लस वन वन अपॉन फैक्टोरियल टू एप्सिलॉन एन माइनस वन, एप्सिलॉन एन कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डबल डैश जाई बटा डिवीजन में एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डैश ऑफ जाई। तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके बचेगा एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर एप्सिलॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश जाई बटा टू अपॉन एफ डैश जाई।
अब इस पूरे कांस्टेंट को अपने एक फंक्शन मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया मैंने सी पी, तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर पी एप्सिलॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन एन। अब यहाँ पे पी बराबर आपका ये फंक्शन है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर आपको हो गया सी एप्सिलॉन के एन, एप्सिलॉन एन बराबर सी ई की पावर के एन माइनस वन, क्योंकि एन की जगह एन प्लस एन माइनस वन रखेंगे तो आपके ये फंक्शन बन जाएगा। तो एप्सिलॉन एन माइनस वन बराबर सी की पावर माइनस वन अपॉन के एप्सिलॉन ई की पावर वन अपॉन एप्सिलॉन एन और पावर वन अपॉन के, तो छः से इसमें मान रखेंगे तो सी एप्सिलॉन एन की पावर के बराबर पी ई सी की पावर माइनस वन अपॉन के एप्सिलॉन एन की पावर वन अपॉन के एप्सिलॉन एन। दोनों तरफ एप्सिलॉन एन की घातों को बराबर करने पर तो स्मॉल के बराबर वन प्लस वन अपॉन के, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, तो के का अपने धराचार्य मेथड से वैल्यू निकालेंगे तो वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, और इसके जब वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वन हाई 1.618। तो अब अपने पास जब दो पॉजिटिव, एक तो प्लस साइन से लेंगे एक माइनस है, तो माइनस साइन से नहीं लेना है, धनात्मक साइन से लेना है, तो के का मान 1.618। तो एप्सिलॉन एन प्लस वन बराबर सी एप्सिलॉन एन की पावर 1.618, जहाँ सी बराबर पी की पावर के अपन के प्लस वन है, तो एफ डैश जाई बटा टू एफ डैश जाई की पावर 0. क्योंकि माइनस वन है तो 0.618, अर्थात मिथ्य स्थिति में अभिसरण की दर 1.618 होती है। तो आपसे ये भी पूछते हैं एक नंबर में का मिथ्य स्थिति द्वारा अभिसरण की दर का मान लिखिए। अब इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मिथ्य स्थिति द्वारा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो का वास्तविक मूल्य। देखो समीकरण यह है, इसमें रुगाफास मेथड से भी पूछ सकते हैं, द्विभाजन विधि भी पूछ सकते हैं, आगे के जो मेथड बताऊंगे उनमें, तो सवाल तो एक ही है पर इसमें किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं, तो आपको वो मेथड का कंसीडर करना है कि मेथड में क्या क्या स्टेप अपने को निकालना है और क्या फाइंड करना है। अब इस यही सवाल आपके एनआर मेथड से भी आ चुका है और यही आपके बाइसेक्शन मेथड से भी आ चुका है, तो मैंने इसको मिथ्या स्थिति क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है, अब इसके अनुसार अपने किया है। तो माना एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि एक्स का मान 1 0 0 1 2 3 4 इस हिसाब से रखेंगे, तो जीरो पर अपने को नेगेटिव आ रहा है, वन पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब टू पे रखा है तो टू पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, परंतु थ्री पे रखा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब एफ एक्स बराबर जीरो का जो मूल है वो दो और तीन के मध्य स्थित है। तो पेपर में ये भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि मिथ्य स्थिति द्वारा समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो का वास्तविक मूल दो तथा तीन के मध्य होता है। तो आपको एक्स बराबर टू और एक्स बराबर थ्री लेना है। अगर नहीं दे रखा है अपने को तो आपको जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इसी हिसाब से चलता रहना है, और जहाँ देखना है जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आती है उनके मध्य ही स्थित होता है। बाइसेक्शन मेथड में भी यही था। तो पहले अपने को x किस किस के मध्य या हम जानते हैं कि मिथ्य स्थिति का पुनरावर्ती सूत्र होता है xn प्लस वन बराबर xn माइनस xn माइनस वन एफ ऑफ xn बटा एफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस वन। तो प्रत्येक चरण के लिए एफ xn माइनस वन और एफ xn जो है लेस देन जीरो है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आपको n बराबर टू रखा, x1 का मान अपने पास 2 है और fx1 का मान माइनस वन है, x2 का मान अपने पास 3 है और x2 का मान अपने 16 है, इस वैल्यू में अपने को रखना है। अब यहाँ पे ये आता है कि n का मान 2 क्यों रखा, क्योंकि n का मान अपने पास 2 रखेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास x1 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है तो x3 की वैल्यू, इसलिए n बराबर 2 रखा है। n बराबर 1 रखते x2 का मान अपने पास है गिवन, इसलिए अपने को एक्स एन बराबर टू रखना है। बाकी में क्या करते हैं 1 2 3 4 रखते हैं, इसमें एन बराबर टू रखा तो आपके x3 की वैल्यू आ गई 2. कैलकुलेशन करेंगे तो 2.059। अब अपने एफ एक्स थ्री का मान निकालो, तो एफ एक्स थ्री का मान नेगेटिव आ रहा है, अतः अंतराल कौन सा हो गया, क्योंकि इसके सब इंटरवल हो गए 2 से 2.059 और 2.059 से 3, तो किस में स्थित होगा, सेकेंड पार्ट में, सब इंटरवल में स्थित होगा। अतः सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो एन बराबर 3, तो x2 का मान अपना हो गया 2.059 और x3 का मान अपने पास 3 है, fx2 का मान अपने निकाला है और fx3 का मान अपने पास पहले से निकाल चुके हैं 16 है, वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पर इसकी वैल्यू आ रही है x4 की 2.010814। अब fx4 की वैल्यू निकालनी है तो f ऑफ 2.0814 पे वैल्यू निकालिए तो -0.1458,
सो कौन से इंटरवल में मंगा, तो इसको भी फिर सब टू सब इंटरवल में लेना है, 2 से 2.0814 और 2.010814 से 3, तो दो सब इंटरवल हो गए। इसका मतलब ये सेकंड इंटरवल में, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड इंटरवल में प्रजेंस होगा। अब इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में n बराबर 4 रखेंगे, तो x 3 की 2 की वैल्यू, x 4 की वैल्यू है, x 3 की वैल्यू अपने पास है, एफ एक्स 3 की, एफ एक्स 4 की वैल्यू है, x 5 का वैल्यू निकाल लिया, तो 2.0697 कैलकुलेशन करने पर, अतः 3 दशमलव स्थानों तक वास्तविक मूल का मान लगभग 2.089 आ रहा है, अतः मित स्थिति द्वारा इसके वास्तविक मूल 2.089 है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, मिथ्या स्थिति द्वारा समीकरण एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 6 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये जब आपके पार्ट लिया है तो आपको इसमें भी वही बात निकालना है। और ये कह रहा है 1.54 तथा 1.6 मध्य वाला वास्तविक मूल 4 दशमलव निकालना है। इसका मतलब अपने को एक्स वन और एक्स टू आपको गिवन है, अपने को चेक नहीं करना है। तो जैसे एफ एक्स बराबर ये लिया, एफ 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली -0.047 और एफ 1.6 पर वैल्यू निकाली 3.128। इसका मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ 1.5 और 1.6 के मध्य ये स्थित है। तो हम जानते हैं मिथ्या स्थिति द्वारा ये इसका फॉर्मूला, इसको अपने एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स एन का मान लेस देन 0। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो प्रोसेस पहले एग्जांपल में किया था, n बराबर 2, x1 बराबर 1.5, x2 बराबर 1.6, fx1 का मान और fx2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ गई, फंक्शन ऑफ fx3 का मान अपने पास आ गया 1.502 पर 0.004। इसका मतलब अंतराल कौन सा हो गया 1.5 और 1. अब देखो पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट इंटरवल होगा सब इंटरवल, और अगर नेगेटिव आता है तो सेकंड सब इंटरवल होता है। तो इसको दो पार्ट में कौन सा हो गया 1.5 से 1.502 और 1.502 से 1.6। तो फर्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव आने पर फर्स्ट इंटरवल सब इंटरवल और नेगेटिव आने पर सेकंड इंटरवल लेना है, अर्थात इनके मध्य स्थित है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन n बराबर 3 लिया, जैसे 3 लेंगे तो आपके x2 का मान 1.5 है, फंक्शन ऑफ fx2 का मान 0.047 है, x3 का मान अपने 1.502, फंक्शन ऑफ एफ एक्स थ्री का मान निकालेंगे तो आपका आ गया 0.004। एन बराबर अपने 3 रखा तो सूत्र में एक्स फोर बराबर एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स थ्री डिवीजन एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स, सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, निकाल के रखी हुई है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके एक्स फोर का मान आ गया 1.5018। तो एफ एक्स फोर का मान आ गया -0.001। अतः इसका अपने को देखेंगे तो ये वैल्यू और जो वैल्यू आ रही है दोनों लगभग अप्रोक्सीमेशन है, अतः इसका वास्तविक मूल क्या है 1.5018। तो इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, तो इससे आगे के मेथड को हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन ये किया है, 5 मेथड है, 5ों में से ग्राफिकल को छोड़ते हुए बाकी किसी भी मेथड से अपने को इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेथड की कंडीशन और मेथड का फॉर्मूला याद रखना है कि, और एन का मान या एक्स वन का मान क्या रखना है, एक्स टू का मान क्या रखना है, गिवन है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो निकाल के, और इसी हिसाब से अपने को आगे का मेथड भी नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे। और उसमें और इस टॉपिकों में जो भी प्रॉब्लम हो मेरे सेल पर या व्हाट्सएप नंबर आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में इसके आपको मैं असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ, जिनको सोल्व करके अपने पास सुरक्षित रखना है, जब भी आवश्यकता होगी जो जो मैंने असाइनमेंट पहले पूर्व में भी आपको दिए गए हैं टॉपिक वाइज, उन सब का सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। थैंक यू।